आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो, हमारा प्रश्न है कि 6 मित्र पूर्व की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। सी बीच में है ए और ई के, बी ई के निकटतम दाएं हैं लेकिन डी के बाईं ओर है, एफ दाएं छोर पर नहीं है, तो ई के दाईं ओर कितने लोग हैं? देखो, सबसे पहले अपने बात करें कि जितने भी व्यक्ति बैठे हैं वो किस तरफ मुंह करके बैठे हैं, अपने पूर्व की ओर यानी कि इस दिशा में मुंह करके बैठे हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं अगर बात करूं कि जो सी है वो बीच में बैठा है किसके, ए और ई के। अगर इसे मैं ए मानूं और इसे मैं ई मानूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनके बीच में कौन बैठा है, हमारा सी बैठा है। अच्छा, हमारी जो दूसरी कंडीशन है वो है बी ई के निकटतम दाएं है, यानी कि ई के निकटतम दाएं कौन बैठा है, हमारा बी बैठा है। अच्छा, लेकिन डी के बाईं ओर है, जो बी है वो किसके बाईं ओर बैठा है, डी के बाईं ओर बैठा है। अच्छा, एफ दाएं छोर पर नहीं है यानी कि इस तरफ नहीं है, तो एफ कहाँ आ गया अपना, एफ आ गया अपना इस तरफ। ठीक है, तो हमारा प्रश्न क्या है कि ई की दाईं ओर कितने लोग बैठे हैं। जब ई की दाईं ओर अगर मैं बात करूं तो ये जो तीन लोग हैं वो किस तरफ बैठे हैं, ई के दाईं ओर, तो विकल्प नंबर 3 जो है वो क्या आ गया, हमारा सही आंसर। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।